गुड मॉर्निंग बच्चों, आज क्लास सेकंड सब्जेक्ट है अपना मैथ। एक्सरसाइज है 1, टॉपिक होगा आरोही क्रम में लिखो। जो अंक है उनको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम मतलब सबसे पहले जो छोटी संख्या होगी वो अपने पहले लिखेंगे। मतलब मैंने 4 संख्या लिखी है, इनमें जो सबसे छोटी होगी वो अपने पहले बॉक्स में लिखेंगे। फिर उसके बाद थोड़ी सी उससे बड़ी होगी वो दूसरे बॉक्स में, उसके बाद उससे जो बड़ी होगी वो तीसरे बॉक्स में, उसके बाद जो सबसे बड़ी होगी वो लास्ट वाले बॉक्स में। ठीक है, आरोही का मतलब सबसे छोटी संख्या। तो अपने पास में 79 है, 43, 84 और 18। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था छोटी संख्या को कैसे देखेंगे। अगर आपको नहीं देखना आता तो फर्स्ट वाली संख्या देख लो, इसमें 7 है, इसमें 4, इसमें 8 और इसमें 1। तो सबसे छोटी संख्या आती है 1 वाली, मतलब 18। तो पहले बॉक्स में लिखेंगे अपने 18, ये तो लिख दिया, 3 संख्या बची अपने पास में। फिर इसके बाद में ये 7, 4 और 8, मतलब इन तीनों में से कौन सी छोटी संख्या हुई, 4 वाली। तो 43 का 43 लिखा। उसके बाद में 2 संख्या बची अपने पास में, 1 7 वाली यानी कि 79 और 1 84, 7 वाली और 8 वाली। तो छोटी कौन सी हुई, 7 वाली, मतलब 79। और उसके बाद में लास्ट में कौन सी बची अपने पास में, 84। तो देख लो, पहले सबसे छोटी संख्या लिखी मैंने 18। अगर नहीं देखनी आती तो स्टार्टिंग की संख्या देख लो 1, उसके बाद में 4 वाली, फिर मैंने 7 वाली लिखी और उसके बाद में 8 वाली। अगला क्वेश्चन भी अपने को ऐसे ही करना है। मैंने 63 लिखा, 48 लिखा, 92 लिखा और फिर 15 लिखा। ठीक है, सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे। तो देखते हैं, इस पे 6 अपने पास में, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 1 है। तो सबसे छोटी कौन सी हुई, 1 वाली, मतलब 15। ठीक है, उसके बाद में 3 संख्या बची, 6 वाली, 4 वाली और 9 वाली। तो मतलब 4 वाली भी छोटी, इन तीनों में छोटी तो 4 वाली हुई ना, क्योंकि ये तो अपनों ने लिख दी। तो 4 वाली है, तो 48 का 48 लिखेंगे। अब ये भी मैंने लिख दी और ये भी लिख दी, बची कौन सी अपने पास, ये वाली और प्लस ये वाली, मतलब 6 वाली और 9 वाली। तो फिर लिखेंगे 6 वाली यानी कि 63। लास्ट में क्या बची अपने पास में, 9 वाली, मतलब कि 92। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही करना अपने पास। पहले संख्या 19, 30, 65 और 25, मतलब यहाँ पर 1 अपने पास में, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2। तो कौन सी हुई सबसे छोटी संख्या, 1 वाली, मतलब 19 वाली। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में 3 बची अपने पास में, जो 1 3 वाली है, 6 वाली है और 2 वाली। तो छोटी कौन सी है, 2 वाली, मतलब कि 25। तो 25 लिखा। अब ये दोनों होगी, 19 भी हो गया, 25 भी हो गया। अब कौन सी बची, 3 वाली 30 और 6 वाली 65। तो 3 हुआ छोटा, तो 30 मैंने लिख दिया। उसके बाद में अपने पास में 1 ही बची 65 वाली, तो मैंने 65 लिख दिया। अगला क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ मैंने 87 लिखा, 82 लिखा, 40 लिखा और 73 लिखा। ठीक है, बताया था पहली संख्या देख लो, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, फिर 4 और फिर 7। छोटी कौन सी हुई, 4 वाली, मतलब 40। ये तो हो गया अपना। इसके बाद में ये 3 संख्या बची, 87, 82 और 73। मतलब यहाँ की पहली संख्या 8 है, इसकी भी 8 है पर इसकी 7 है। तो छोटी कौन सी हुई, 7 वाली, 73। अब यहाँ पर 2 संख्या बची, ये दोनों मैंने लिख दी। ठीक है, बची ये 87 और 82, इसके आगे भी 8 है और इसके आगे भी 8 है। अपने को नहीं पता छोटी कौन सी है, तो आगे वाली संख्या देखो, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 2। छोटी कौन सी भी, 2 वाली, तो मतलब ये संख्या आएगी अब 82। फिर कौन सी बची अपने पास में, लास्ट है 87। ऐसे आगे वाला है, मैंने संख्या 74 लिखी, फिर 34, फिर 24 और फिर 58। तो पहली संख्या इसकी 7 हुई, इसकी 3, इसकी 2 और इसकी 5। तो छोटी कौन सी है, 2 वाली, मतलब 24। ये हो गया। तो अपने पास कौन सी बची, 74, 34 और 58। तो ये 7, 3 और 5 संख्या कौन सी छोटी हुई, 3 वाली, मतलब 34। ये भी हो गया, बची 7 वाली और 5 वाली। तो छोटी हुई 5 वाली, मतलब 58।
उसके बाद में एक संख्या बची 74। दोबारा से बता रही हूँ बच्चों, आरोही क्रम मतलब पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक है अवरोही क्रम में लिखो। पहले हमने आरोही क्रम लिखा था, उसमें सबसे छोटी संख्या लिखनी थी, और अब है अवरोही मतलब सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, ठीक है। कंफ्यूज मत होना बेटा, आरोही सबसे छोटी संख्या पहले लिखी जाती है और अवरोही मतलब बड़ी संख्या पहले लिखेंगे। अगर ऐसे भी नहीं याद रहता तो अक्षर गिन लो, शब्द कितने, एक दो तीन, ठीक है, तीन है इसमें, और इसमें कितने, एक दो तीन चार, मतलब जिसमें तीन अक्षर होंगे उसमें पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे और जिसमें चार अक्षर होंगे उसमें पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ी संख्या, मैंने यह चार संख्या लिखी है, पहले बॉक्स में सबसे बड़ी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने 95, 43, 16 और 80 लिखा है, ठीक है। नहीं पता चलता फिर भी आगे वाली संख्या देखो, यहाँ 9 लिखा, यहाँ 4, 1 और 8, सबसे बड़ी कौन सी हुई, 9 वाली हुई, तो पहले बॉक्स में लिखा 9, ये हो गया, इसको रखो साइड में। अब कौन सी, 4, 1 और 8, अपने सबसे बड़ी संख्या देख रहे हैं, याद रखना। तो बड़ी कौन सी हुई, 8 वाली मतलब 80 वाली। अब ये भी हो गया, अब कौन सी बची, 4 वाली और 1 वाली, तो बड़ी कौन सी है दोनों में से, 4 वाली, तो मतलब 4, 43 लिखा। अब कौन सी बची, 16, ठीक है। ऐसे आगे वाला करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 18, 60, 40, 39, ठीक है। तो इसका अपने पास में पहले 1 देखो, इसका 6 देखो, इसका 4 और इसका 3, ठीक है। तो बड़ी कौन सी है संख्या, 6 वाली, कौन सी है बड़ी, 6 वाली मतलब 60, ये हो गया। अब बची अपने पास 18, 40 और 39, तो बड़ी कौन सी हुई, 4 वाली मतलब कि 40, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब 1 और 3 वाली बची, तो बड़ी कौन सी, 3 वाली मतलब 39, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद में यही बची संख्या एक लास्ट है 18, ये अपने लिख दी। ऐसे आगे वाला क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ मैंने 90 लिखा, 38, 47 और 68, ठीक है। तो पहली संख्या इसमें 9 है, इसके अंदर 3, 4 और 6, तो बड़ी कौन सी हुई, 9 वाली मतलब कि 90। अब ये होगी, इनमें देखो बड़ी कौन सी है, ये 3, 4 और 6 मतलब 6 वाली है 68, ये भी होगी। अब बची 3 वाली और 4 वाली मतलब 38 और 47, तो बड़ी कौन सी है, 3 वाली है या 4 वाली, तो 4 वाली बड़ी हुई मतलब कि 47। अब बची अपने पास में 3 वाली मतलब 38, तो अपने लिखेंगे 38। क्वेश्चन नंबर 4, पहले मैंने 60 लिखा, 75, 80 और 96, तो इसकी पहली संख्या है 6, 7, 8, 9, तो बड़ी कौन सी हुई, 9 वाली मतलब 96, ये हो गया। अब इन तीनों में देखो, ये 6, 7 और 8, तो बड़ी कौन सी हुई, 8 वाली मतलब 80। अब ये 2 बची, तो कौन सी बड़ी हुई, 6 वाली या 7 वाली, 7 वाली होगी मतलब कि 75। फिर बची अपने पास में ये 1, 6 वाली मतलब कि 60। ऐसे आगे वाला करेंगे, इसमें 40, 14, 18 और 25, तो पहली संख्या इसकी 4, 1, 1 और 2, बड़ी कौन सी हुई, 4 वाली मतलब कि 40, ये हो गया। अब अपने पास में बची 14, 18 और 25, इसका भी 1 है, इसका 1 है, पर इसका क्या है, 2, तो बड़ी संख्या हुई 2 वाली मतलब कि 25, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये बची, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, नहीं पता चला बड़ी कौन सी है, तो आगे वाली संख्या देखो, इसका 4 और इसका है 8, तो बड़ी कौन सी हुई, 8 वाली मतलब 18। लास्ट बची अपने पास में 14। बेटा ये दोनों टॉपिक आप अपनी नोटबुक में करोगे, प्लस आपको 2 से 5 तक पहाड़े नोटबुक में लिखने हैं, प्लस इनको याद भी करना है।